दोस्तों क्रिकेट का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल होता है ना आईपीएल, अब स्टार्ट हो चुके हैं। अब कल जैसे ही सैटरडे है, कल से दो मैच स्टार्ट है सैटरडे संडे, और जो कल का पहला मैच खेला जाएगा पंजाब किंग्स और केकेआर के बीच में, थोड़ा वो इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि दोनों के इस बार कप्तान नए हैं। जहां पे पंजाब के इस बार शिखर धवन बनाए गए हैं, वहीं केकेआर के श्रेयस अय्यर के इंजर्ड होने के बाद नीतीश राणा को कप्तानी सौंपी गई है। तो दोनों टीम थोड़ा स्ट्रांग है और बैलेंस भी है, लेकिन पंजाब थोड़ी वीक दिखती है ऑन पेपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रिडिक्शन करेंगे प्लेइंग 11 कि पंजाब किंग्स कौन सी प्लेइंग 11 के साथ उतरेगी और केकेआर अपनी कौन सी प्लेइंग 11 खिलाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पंजाब किंग्स के प्लेइंग 11 के बारे में। पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 को चूज करने के टाइम पे शिखर धवन को थोड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि उनके पास थोड़े ना सेलेक्टिव प्लेयर्स हैं, ज्यादा ऑप्शन नहीं है शिखर धवन के पास। पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 इस प्रकार होगी, जैसे कि शिखर धवन लिविंगस्टन ओपनिंग कर सकते हैं, फिर उनके पास श्रीलंका के एक बेहतरीन बल्लेबाज है राजापक्षा, जो पिछले सीजन में भी जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। फिर आएंगे सिमरनजीत सिंह जो कि विकेट कीपर बल्लेबाज है और इंडिया के बहुत अच्छा, पिछले सीजन में भी उन्होंने विकेट कीपिंग सही की थी और बैटिंग भी सही की थी। उसके बाद शाहरुख खान आएंगे, शाहरुख खान का काफी टाइम से वैसा नहीं हो रहा परफॉर्मेंस और वैसे फॉर्म में भी नहीं है। फिर आएंगे जो इस बार के सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बिके, सैम करन। फिर उसके बाद हरप्रीत बरार हैं, ऋषि धवन हैं, राहुल चहर हैं, फिर रबाडा और अर्षदीप फास्ट बॉलिंग को संभालेंगे। तो इनके पास थोड़ा बैलेंसिंग है, लेकिन इनके पास वो वाले इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं है जो बड़े नाम हो। सैम करन को छोड़ दें, लिविंगस्टन चल जाए तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो इनके पास कुछ वैसा बैलेंसिंग नहीं है। चलो कोई नहीं, इनके पास बॉलर तो अच्छे हैं, रबाडा और अर्षदीप सिंह तो इनके पास अच्छे बॉलर हैं। सैम करन भी बॉलिंग बहुत अच्छी डालते हैं। सैम करन और लिविंगस्टन में ओपनिंग कौन करेंगे ये तो आगे का कल ही पता चलेगा क्योंकि ये दोनों ही ओपनिंग करते हैं। हमारी तरफ से पंजाब किंग्स की प्लेइंग 11 ये है। अब बात करते हैं केकेआर की प्लेइंग 11 के बारे में। तो श्रेयस अय्यर के जाने के बाद थोड़ा सा असर पड़ा है टीम के बैलेंसिंग में क्योंकि इनके पास ऑलराउंडर हैं लेकिन इनके पास ना कोई विकेट कीपर नहीं है। तो इसीलिए ना एक फॉरेनर है जैसे गुरबाज है, लिट्टन दास है, तो इनके पास ये विकेट कीपर है लेकिन ये फॉरेनर है तो उनको एक इनको खिलाना पड़ेगा तो इनका एक प्लेयर का सीट खत्म हो जाएगी। तो इनके पास विकेट कीपर कोई इंडियन टैलेंट नहीं है। तो केकेआर की प्लेइंग 11 कुछ इस प्रकार होने वाली है। नीतीश राणा और वेंकटेश अय्यर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। वेंकटेश अय्यर तो अच्छे फॉर्म में थे पहले लेकिन कुछ टाइम से वो फॉर्म में नहीं चल रहे और डोमेस्टिक भी उनका परफॉर्मेंस सही नहीं है। उसके बाद मनदीप सिंह आएंगे, लेकिन सबसे मेन बात यह है कि साकिब अल हसन टीम में खेलेंगे और साकिब अल हसन बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों से कंट्रीब्यूशन देते हैं टीम में। उसके बाद रिंकू सिंह है, फिर गुरबाज, जैसा कि मैंने आपको कहा कि विकेट कीपर का ऑप्शन नहीं है तो गुरबाज होंगे क्योंकि सुनील नारायण नहीं खेल पाएंगे फिर इसी वजह से। फिर आंद्रे रसल आएंगे, फिर शार्दुल ठाकुर हैं, फिर फर्गुसन है, वरुण चक्रवर्ती खेलेंगे इसके बाद, फिर उमेश यादव है। तो ये है इनकी प्लेइंग 11 क्योंकि थोड़ी बैलेंसिंग भी देखी है इन्होंने क्योंकि फास्ट बॉलर जैसे कि फर्गुसन, उनका फास्ट बॉलर अच्छा ऑप्शन मिल जाता है, ठाकुर है, रसल है और उमेश यादव, क्योंकि स्पिनर का ऑप्शन इनके पास है जैसे कि साकिब अल हसन स्पिन कर देते हैं, वरुण चक्रवर्ती कर देते हैं, तो इनका थोड़ा बैलेंसिंग है। दोस्तों आप इन दोनों टीमों में से किसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।